अस्सलामु अलैकुम। आज अगर हम बात करते हैं तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर एक्सक्रीशन का प्रोसेस किस तरह से होता है उसको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। इनिशियल जो हमारे लेक्चर्स होंगे उसके अंदर हम ह्यूमंस के अंदर लिवर जो है उसका क्या रोल है, किस तरह से लिवर जो है वो एक्सक्रीशन के प्रोसेस में हेल्पफुल साबित होता है एज बीइंग द मेटाबॉलिक पावर हाउस। हमारी बॉडी का लिवर वो ऑर्गन है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या होती है, मेटाबॉलिज्म होती है, और लिवर ही बेसिकली वो स्ट्रक्चर है जो हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म के नतीजे में मुख्तलिफ किस्म के एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस बनाएगा, नाइट्रोजीनियस वेस्ट बनाएगा, एंड देन हेल्प आउट करेगा। किसको हेल्प आउट करेगा? किडनी को। तो आज के लेक्चर में हमारा बेसिक फोकस थोड़ा सा लिवर के स्ट्रक्चर के ऊपर और लिवर के डिफरेंट रोल्स के ऊपर होगा कि वो किस तरह से एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस बनाता है बेसिकली। अब हम बात करते हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस की। कंसिडर द केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ। हम अगर बात करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट किस्म के केमिकल प्रोसेसेस हैं जो बेसिकली चल रहे होते हैं। उन केमिकल पाथवेज के अंदर काफ़ी सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं जिनको हम बेसिकली मेटाबॉलिक वेस्ट ही कहते हैं। जैसा कि चंद एक जो है उनको अगर हम डिस्कस करते हैं तो उसमें यूरिया है जो कि अमाइनो एसिड्स की मेटाबॉलिज्म, जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डीअमाइनेशन प्रोसेस कहते हैं, उसमें अमोनिया बनता है एंड देन अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है यूरिया के अंदर। फिर इसी तरह हम पिछले लेक्चर्स के अंदर क्रिएटिनिन के बारे में पढ़ चुके हैं जो कि बेसिकली मसल क्रिएटिन, मसल्स के अंदर जो क्रिएटिन फॉस्फेट होती है उससे क्रिएटिनिन बनती है जो कि एक वेस्ट मटेरियल है, हमारी बॉडी से निकाला जाता है। इसी तरह हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं डिफरेंट, जब उनकी ब्रेकडाउन की जाती है तो उन न्यूक्लियोटाइड्स की ब्रेकडाउन के दरमियान जो है दौरान यूरिक एसिड बेसिकली प्रोड्यूस होता है विच इज़ आल्सो अ वेस्ट मटेरियल। इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन होती है, हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन और चंद हार्मोन्स जो हैं जिनके अंदर बेसिकली हीम पोर्शन प्रेजेंट होता है, जिस भी हार्मोन के अंदर हीम पोर्शन प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल कोई भी ऐसा जिसके अंदर हीम पोर्शन प्रेजेंट होगा उसकी ब्रेकडाउन से बिलिरुबिन बनेगी। क्योंकि जो बिलिरुबिन जो है ये कब बनती है, असल में अगर हम RBCs की बात करते हैं तो RBCs बेसिकली इनके अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के अंदर प्रेजेंट होता है हीम पोर्शन। अब ये जो हीम पोर्शन है जब ओल्ड RBCs होते हैं तो इनकी ब्रेकडाउन की जाती है, मैक्रोफेजेस जो हैं इस सारे प्रोसेस में हेल्पफुल साबित होते हैं। हीम ऑक्सीजिनेज एक एंजाइम होता है जो हीम मॉलिक्यूल को तोड़ता है, और जब हीम मॉलिक्यूल टूटता है तो उसके नतीजे में जो सब्सटेंस बनता है दैट इज बिलीवर्डिन। अब बिलीवर्डिन रिडक्टेज जो है ये इस बिलीवर्डिन को किस में कन्वर्ट करता है, बिलीरुबिन में। बिलीरुबिन जो है विच इज़ प्रोड्यूस्ड इन लिवर, और लिवर के अंदर प्रोड्यूस होने के बाद ये बाइल डक्ट के ज़रिए से बाइल के साथ ही ये कहाँ तक पहुँचाई जाती है, हमारे इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन जो ड्यूडिनम है उसके अंदर पहुँचाई जाती है। जब इंटेस्टाइन में पहुँचता है तो उसकी दोबारा से बैक्टीरिया ब्रेक डाउन करते हैं यूरोबिलिनोजिन के अंदर। ये जो यूरोबिलिनोजिन होता है इसकी फर्दर कन्वर्जन की जाती है स्टर्कोबिलिन के अंदर। स्टर्कोबिलिन बेसिकली अगर हम बिलीरुबिन की बात करते हैं तो उसकी फाइनल फॉर्म जो हमारी बॉडी से निकाली जाती है दैट इज स्टर्कोबिलिन। अब ये जो स्टर्कोबिलिन होती है ये सब्सटेंस ग्रीनिश या जो हमारे जो फीकल मैटर होता है उसका जो कलर होता है, येलोइश ग्रीन सा जो कलर होता है, उसको कलर देने का भी जो जिम्मेदार है वो यही दैट स्टर्कोबिलिन सब्सटेंस जो है यही उसको कलर देता है बेसिकली। हमारी बॉडी के अंदर अगर हम बात करें तो दो बेसिक ऑर्गन्स होते हैं या दो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर एक्सक्रीशन में बड़े अहमियत के हामिल हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा यूरिनरी सिस्टम है जिसमें किडनीज आती हैं, एंड सेकेंडली लिवर है। लिवर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। उसकी रीज़न क्या है कि लिवर बेसिकली बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, चंद एक ऐसे हैं उसको देखते हैं, लेकिन पहले थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि लिवर जो है बेसिकली कहाँ पे प्रेजेंट होता है और लिवर जो है वो बेसिकली स्ट्रक्चर कैसा है उसका।
Never is basically present in our body cavity, जिसे हम abdominal cavity कहते हैं, और abdominal cavity में right side पे just beneath the diaphragm. अब इस diagram के अंदर देख भी सकते हैं basically liver किस जगह पे present है. अब लिवर की अगर हम बात करते हैं, दैट इज बेसिकली रेडिश ब्राउन वेज शेप्ड ऑर्गन है, और इसकी दो लोब्स होती हैं, मेजरली दो लोब्स हैं, और दोनों लोब्स अनइक्वल साइज एंड शेप की होती हैं. और लिवर के जो सेल्स होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, हेपेटोसाइट्स. लिवर का जो वेट होता है, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 1.5 kg. और जब हम लिवर की बात करते हैं, लिवर एंड किडनी, ये दोनों हमारी बॉडी के वेस्ट रिमूविंग ऑर्गन्स हैं. लिवर हमारी बॉडी का बेसिकली वो पार्ट है जिसमें हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा मेटाबॉलिज्म जिस पार्ट में हो रही होती है, वो पार्ट कौन सा है, दैट इज बेसिकली लिवर. इसी वजह से लिवर को हम मेटाबॉलिक क्लियरिंग हाउस भी कहते हैं. लिवर जो है, जो मेटाबॉलिज्म कर रहा है, उस मेटाबॉलिज्म के दौरान ये डिफरेंट किस्म के केमिकल वेस्ट बना रहा है, ताकि ये असिस्ट कर सके, किसको असिस्ट कर सके, किडनी को उन्हें रिमूव करने के लिए. जैसा कि हम डिफरेंट किस्म के वेस्ट मटेरियल्स की अगर हम बात करते हैं, तो वो कौन कौन से हैं, दैट इज अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड. ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल हैं जो हमारी बॉडी में अमाइनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड और दूसरे डिफरेंट सब्सटेंसेस से बनाए जाते हैं. इसी दौरान में अगर हम बात करते हैं, तो यूरिया साइकिल, जो कि बेसिकली हमने पहले भी पढ़ा हुआ, जिसमें यूरिया साइकिल के अंदर ऑर्निथिन जो है, उसके साथ जो कार्बम ऑयल फॉस्फेट विच इज़ कंटेनिंग अ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल एंड अमोनिया मॉलिक्यूल मिलते हैं, सिट्रुलिन बनती है. सिट्रुलिन के साथ सेकंड नाइट्रोजन जो है वो अस्पार्टेन से आती है, और जो कंपाउंड बनता है, दैट इज़ आर्जिनोसक्सीनेट. आर्जिनोसक्सीनेट की ब्रेकडाउन होती है, फ्यूमारेट निकल जाता है, बाकी जो कंपाउंड बनता है, दैट इज़ आर्जिनिन. आर्जिनिन के ऊपर आर्जिनेज एंजाइम एक्ट करता है, ऑर्निथिन वापस बनती है, और एक यूरिया का मॉलिक्यूल बनता है. ये यूरिया साइकिल हम पहले भी पढ़ चुके हैं. इसी के साथ अगर हम बात करते हैं, तो हमारे पास एक और चीज़, दैट इज़ यूरिक एसिड. अक्सर उकात स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर ये यूरिक एसिड कहाँ से बनता है, तो यूरिक एसिड बेसिकली याद रखिएगा, जो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट किस्म की नाइट्रोजीनियस वेस्ट, वैसे तो इसके बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली नाइट्रोजीनियस जो बेसिस होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, ख़ास तौर पर कौन सी, प्यूरिन्स. अब प्यूरिन्स में दो आती हैं, दैट इज़ एडिनिन एंड गुआनिन. जब इनकी ब्रेकडाउन होती है, अब इनके भी दो सोर्सेज हैं, एक तो एंडोजीनियस सोर्स है, यानी कि जो बॉडी के अंदर ही बन रही है, और दूसरा डाइटरी सोर्स है, कि हम डाइट से भी जो है एडिनिन एंड गुआनिन हासिल करते हैं, प्यूरिन्स हासिल करते हैं. जब इन दोनों की ब्रेकडाउन की जाती है, तो उसके नतीजा में जो हमारे पास कंपाउंड बनते हैं, वो कौन से बनते हैं, हाइपोजेंथीन एंड जेंथीन बनता है. अब हाइपोजेंथीन एंड जेंथीन की फर्दर ब्रेकडाउन जो की जाती है, दैट इज इनटू यूरिक एसिड. अब यूरिक एसिड की रिमूवल के भी दो तरीकाकार हैं. एक तो यूरिक एसिड हमारी किडनी के जरिए से, एक्सक्रीटरी सिस्टम के जरिए से रिमूव किया जा सकता है, और कुछ हद तक 0.2 ग्राम तक अ डे में ये हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक से भी रिमूव किया जाता है. और जो अदर मैमल्स हैं, उनकी अगर हम बात करते हैं, ह्यूमन के अलावा, उनके अंदर यूरिक एसिड जो है, इसकी अगर हम बात करें, तो इसके ऊपर एक और एंजाइम एक्ट करता है, दैट इज यूरिकेज, और यूरिकेज इसे कन्वर्ट करता है एलनटॉइन के अंदर, ठीक है, विच इज एन ऑल्सो ए नाइट्रोजीनियस एक्सक्रीटरी मटीरियल इन अदर देन होमोसैपियंस और प्राइमेट्स के अलावा जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर ये प्रेजेंट होता है. अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ हम डिस्कस करते हैं, वो क्या है, वो बेसिकली जो हमारी बॉडी के अंदर स्वेट ग्लैंड्स जो डिफरेंट सब्सटेंस बनाते हैं, जैसा कि स्वेट बनाते हैं, इसी तरह सीबीशियस ग्लैंड जो है वो सीबम प्रोड्यूस करते हैं. इसके ज़रिए से भी तो हमारी बॉडी से डिफरेंट किस्म के मटीरियल्स जो हैं वो निकल रहे होते हैं, लेकिन दैट्स नॉट कंसिडर्ड टू बी एक्सक्रीशन. इसको हम एक्सक्रीशन नहीं कंसिडर करते. द रीज़न बिहाइंड दैट, इसको हम एक्सक्रीटरी मटीरियल क्यों कंसिडर नहीं करते, उसको अगर हम देखते हैं, तो जब हम स्वेटिंग की बात करते हैं, स्वेट ग्लैंड्स के ज़रिए से जो पसीना आता है और पानी जो इकट्ठा हो जाता है हमारी स्किन के ऊपर, वो जब एवेपोरेट करता है, तो उसकी एवेपोरेशन की वजह से बॉडी को कूलिंग इफेक्ट आता है. तो इसका पर्पस जो है ना स्वेट का, वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, कि स्वेटिंग का पर्पस बेसिकली कूलिंग इफेक्ट देना है बॉडी को. दैट्स व्हाई स्वेटिंग जो है, आपको सर्दी लग रही है तो स्वेटिंग नहीं होगी क्या, सर्दी के दौरान आपको एक्सक्रीशन की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा नहीं है. दैट्स व्हाई इस फिनोमेना को ही थोड़ा सा डिफरेंट करार दे दिया जाता है,
कि ये फिनोमेना जो है ये एक्सक्रीशन में इंक्लूड ही नहीं किया जाता, दैट्स बेसिकली थर्मोरेगुलेशन। इसी तरह एक और चीज़ अगर हम डिस्कस करते हैं तो वो है सीबम। अब अगर हम सीबम की बात करते हैं, दैट इज सेबिशियस ग्लैंड्स जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये सेबिशियस ग्लैंड्स जो हैं ये ऑयली सिक्रीशन करते हैं जो बेसिकली आपकी स्किन के ऊपर प्रेजेंट होती है। अब इसका भी जो पर्पज़ होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसा कि हम प्रॉपर्टीज़ चंद डिस्कस करते हैं सीबम की, ये सरफेस के ऊपर लुब्रिकेंट के तौर पर एक्ट करता है, सरफेस को ड्राई होने से बचाता है, मॉइस्ट रखता है, थोड़ा सा नम रखता है, वाटरप्रूफ बैरियर के तौर पे एक्ट करता है बॉडी के ऊपर, प्रिवेंट लॉस ऑफ हीट एंड वाटर, हीट एंड वाटर के लॉस से बॉडी को बचाता है, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ होती हैं इसकी, खसूसन हमारी बुक में जो लिखा हुआ वो इसका एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी के बारे में ही लिखा हुआ है, प्रो इन्फ्लेमेटरी होता है, ठीक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, एंड साथ ही साथ फेरोमोन्स जो हैं सर्टन सब्सटेंसेस होते हैं विच बेसिकली मेक्स स्मेल या ऑपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करने के लिए डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो हैं इन्हें यूज़ करते हैं, तो उन फेरोमोन्स की ट्रांसपोर्ट में मददगार साबित होता है। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो कहीं पे भी सीबम जो है उसकी अगर हम बात करें तो सीबम भी बेसिकली इसका रोल भी डिफरेंट होता है, दैट्स वाई इसको भी हम एक्सक्रीटरी सब्सटेंस में इंक्लूड नहीं करते हैं। और लिवर जो है नॉट ओनली अगर हम इसकी बात करें तो सिवर नाइट्रोजीनियस वेस्ट ही नहीं बनाता है, इसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो हैं होम्योस्टेसिस के जो ये परफॉर्म करता है उनको बेसिकली हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जो कि हमारे पास क्या होंगे फंक्शन, सिंथेसिस के होंगे, स्टोरेज के, कन्वर्जन के, रिसाइकिलिंग के एंड डिटॉक्सिफिकेशन कैटेगरीज के, इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे।